हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज अ सेडेंटरी सी एनीमोन गेट्स अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब। द एसोसिएशन इज ऑप्शन ए अमेंसलिज्म, ऑप्शन बी एक्टोपैरासिटिज्म, ऑप्शन सी सिम्बायसिस, ऑप्शन डी कमेंसलिज्म। सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो सेडेंटरी सी एनीमोन होता है और ये क्या करता है, ये अटैच हो जाता है टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब। सो इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म हमारा एक टाइप का स्पीशीज इंटरेक्शन होता है एंड ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड व्हाट हैपेंस इज इसमें जैसे दो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं तो इसको हम इसमें क्या होता है, फिर जब दो स्पीशीज इन्वॉल्व है तो वन स्पीशीज जो होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी एंड एक स्पीशीज जो होगी उसको कोई प्रॉफिट गेन हो रहा है। सो वन स्पीशीज इज अनअफेक्टेड एंड वन स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिट। सो इसको हम डिनोट करते हैं विद दिस। एंड अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा आता है बार्निकल्स जो कि वेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं। सो इसमें जो बार्निकल्स होते हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनको मोबिलिटी प्रोवाइड होती है एंड जो वेल्स हैं उनको वो अनअफेक्टेड रहते हैं। गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज अमेंसलिज्म। सो अमेंसलिज्म क्या होता है? अमेंसलिज्म हमारा एक और टाइप का स्पीशीज इंटरेक्शन होता है। इसमें जनरली क्या होता है कि हमारी एक स्पीशीज होती है वो होती है हार्म्ड और आइदर वो एक्सटिंक्ट हो रही होती है एंड एक स्पीशीज जो होती है वो होती है हमारी अनअफेक्टेड, मतलब वो कोई हार्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो बेसिकली अनअफेक्टेड है। सो इसको डिनोट करा जाता है जनरली विद दिस। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज एक्टो पैरासिटिज्म। सो एक्टो पैरासिटिज्म जो है ये क्या होता है? एक्टो पैरासिटिज्म आता है हमारा जब हमारे जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट की सरफेस पर रहते हैं। सो हियर पैरासाइट्स एंड ये क्या करते हैं, ये सरफेस ऑफ होस्ट पे प्रेजेंट होते हैं एंड वहां से ये अपने लिए नरिशमेंट गेन करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज सिम्बायसिस। सो सिम्बायसिस क्या होता है? सिम्बायसिस होता है जो एक तरह से इसको अगर बोला जाए तो ये एक ब्रॉड रेंज है और ये मेन टॉपिक आता है एंड ये ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर सारी स्पीशीज इंटरेक्शन आती हैं इंक्लूडिंग कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। सो इस ब्रॉड टर्म के अंदर सारी हमारी स्पीशीज इंटरेक्शन आती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है विच इज कमेंसलिज्म। सो कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक स्पीशीज जो है हमारी उनको तो प्रॉफिट हो रहा है। सो वन स्पीशीज इज गेटिंग प्रॉफिट एंड अदर इज अनअफेक्टेड। सो दिस इज अनअफेक्टेड एंड दिस स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिट्स। सो जनरली अगर हम देखें हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के केस में तो जो हमारे हर्मिट क्रैब होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेडेंटरी सी एनिमोन्स जो होते हैं वो उसके ऊपर रहते हैं एंड मोबिलिटी प्रोवाइड होती है। So therefore, the correct option for this question is option number D, commensalism. Hope you understood it well. Best of luck.